और अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं दिल्ली, जहां दिल्ली मेट्रो में अब टोकन खरीदना और कार्ड रिचार्जिंग का झंझट खत्म कर दिया गया है। डीएमआरसी ने डीएमआरसी ट्रैवल नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस मोबाइल ऐप से खरीद सकेंगे दिल्ली मेट्रो के टिकट। आपको बता दें, अब लाइनों में लगना, जल्दी पहुंचना, भागदौड़ करना, इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए दिल्ली मेट्रो के टिकट खरीदे जा सकेंगे। ऐप के जरिए यात्री मोबाइल QR टिकट खरीद सकेंगे। DMRC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। मेट्रो भवन स्थित मुख्यालय में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें, मेट्रो अब दिल्ली की भी लाइफलाइन बन चुकी है। बड़ी संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और अपनी गाड़ियों को और अपने स्कूटरों का कम उपयोग करने लगे हैं मेट्रो के चलते। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने, DMRC ने एक और सौगात दी है, जहां पर अब लोगों को, यात्रियों को लाइन में ना लग करके एक ऐप के जरिए अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। QR कोड के जरिए टिकट बुकिंग हो जाएगी और इस ऐप का लॉन्च मेट्रो भवन स्थित मुख्यालय में किया गया है, जहां निदेशक और इस पर अपडेट देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है राजीव, जहां मेट्रो अब दिल्ली की भी लाइफलाइन बन चुकी है, क्या है जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली में देखिए लाइफ लाइन के तौर पे मेट्रो को जाना जाता है, क्योंकि सुबह से हो या शाम हो, देखिए दिल्ली में जो कामकाजी लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए आसानी से जो है सही समय पे पहुंचने का कोई माध्यम है तो वो दिल्ली मेट्रो है। और यही वजह है कि लगातार जिनके पास देखिए 4-व्हीलर है या 2-व्हीलर है तो वो मेट्रो में पार्क करके उस पर मेट्रो की सवारी पसंद करते हैं, क्योंकि समय से उनके मंजिल से पहुंचाते हैं मेट्रो और दिल्ली जाम के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में लगातार जो मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि इस तरह से यात्रियों को टिकट लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में जो ऐप जो लॉन्च किया गया है, इससे अब आम जनता जो दिल्ली मेट्रो की जो सवारी करती है उनको आने जाने जी। राजीव, जब भी हम मेट्रो से सफर करते हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो तो ऐसा एक, क्या कहेंगे, एक ऐसा सिस्टम है जिसको हर कोई इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पे टोकन दिखाकर एंट्री होती थी। अब जब ये QR कोड लग जाएंगे तो किस तरह से जो है वेरिफिकेशन होगा, किस तरह से यात्री जो है एक लाइन से दूसरी लाइन पे स्विच कर सकेंगे या स्टेशन के अंदर बाहर आ जा सकेंगे? बिल्कुल, देखिए जो एंट्री गेट पे जो पहले जो टोकन को टच कराया जाता था, उसके बाद आदमी आगे प्रवेश करता था, वहीं पे जो है एक QR कोड जो है वो सिंबल बना हुआ है और उसी के दौरान जो है वहाँ पे QR कोड से मैच कराने के बाद जो है उनका एंट्री गेट है, वो एंट्री गेट खुल जाएगा और आदमी आसानी से अंदर चला जाएगा और मेट्रो की सवारी ले सकेगा। जो अभी तक जो अभी फार्मूले जो चल रहा था, ये मामला, ये एक पर्ची के माध्यम से QR कोड दिया जा रहा था, जहाँ पे टोकन दिया जा रहा था उसके पहले एक पर्ची के माध्यम से यात्रियों को दिया जाता था, लोग चल रहा था कि ये सफल हो पा रहा है कि नहीं। लेकिन जब इसमें देखा गया कि इसमें जो है लोगों को दिक्कत नहीं आ रही। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।